कि दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में 100% गारंटी लेता हूं, आप लोगों के लिए मैं इन लीवरों को सिखा के मानूंगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के वीडियो को एंड तक देखना। मैं गारंटी लेता हूं 100% आप कहीं पे भी जाके एक्सवेटर चला सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। लाइक मत करना दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद में लाइक करना, अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं तो मत करना। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सबसे आसान तरीके में जो टाटा हिटाची एक्सवेटर है इसके लीवरों को समझाएंगे। देखिए, कहीं पर भी मशीन इस पोजिशन में खड़ी है तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, कैसे बूम चलाना है, कैसे सीविंग करनी है और कैसे स्टिक को खोलना, कैसे बंद करना है और बकेट को कैसे मिट्टी भरना है, कैसे खलाना है। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीके में समझाऊंगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करना या मत करना आप। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं मशीन के केबिन के पास और अब दोस्तों हमारा केबिन है जो खुल चुका। अब आ चुका हूं मैं मशीन के केबिन के अंदर। देखिए अब ध्यान से समझना, अब मैं आप लोगों के लिए आसान तरीके में इसके जो फंक्शन है अंदर के उनको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहला आप लोगों को क्या करना है, देखिए मैंने आप लोगों के लिए दिखा दी है मशीन अगर इस पोजीशन पे खड़ी है तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। देखिए ऑयल पानी चेक वो तो आपको करना ही है सबसे पहले। देखिए ऑयल पानी की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब फिलहाल मैं आप लोगों के लिए कुछ अंदर की जानकारी दे देता हूँ। देखिए यहाँ जो हमारी मशीन है, देखिए यहाँ चाबी लगती है इसमें और देखिए अब मैं चाबी को लगा देता हूँ। देखिए ये हमारी लग चुकी है चाबी। ठीक है दोस्तों, चाबी लगने के बाद में जो है मशीन का देखिए मीटर है ऑन हो चुका है और यहाँ पर एसी वगैरह जो चालू है, एसी के फ़ैन वो, चलिए मैं इनको बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपके लिए। देखिए जहाँ से बंद होते ऑफ़, देखिए ये एसी हमारी जो ऑफ़ हो गई। अब स्टार्ट होने के बाद में फिर आप लोगों के लिए देखिए साउंड आ रही थी, इसमें दिक्कत हो। देखिए आपको क्या करना है, मशीन को स्टार्ट करना है ऐसे चाबी घुमा के। तो देखिए दोस्तों अब हो चुकी है हमारी मशीन स्टार्ट, अब मैं इसको नीचे गिर देता हूँ। देखिए अगर आपको बूम कैसे उठाना है ये सिखाता हूँ मैं आज इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले देखिए इस पोजीशन पे मशीन खड़ी है, हमारा बकेट बूम डिप्पर है वो सब सीधा है, खुला हुआ है। देखिए अब बूम के लीवर को मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों जो इस राइट हाथ में जो हमारा लीवर है ये है बूम चलाने के लिए, बूम और बकेट चलाने के लिए, आप समझ गए दोस्तों। अगर हम इसको ऊपर की साइड करते हैं तो देखिए थोड़ा एक्सलेटर दे देते हैं अपने हिसाब से, ये इसमें एक्सलेटर है देखिए। तो अब हमने एक्सलेटर दे दिए, चलिए मैं थोड़ा सा एसी चला देता हूँ, ये ऑन हो चुकी है और अब हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। देखिए हमको दो पॉइंट पे एसी चलानी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जब मशीन स्टार्ट हो जाए, दोस्तों जब मशीन स्टार्ट हो जाए एक मिनट उसको स्टार्ट रहने दें, फिर उसके बाद में हल्की देखिए एक्सलेटर दे अपने हिसाब से। अब मैं आप लोगों के लिए राइट हाथ के लीवर की जानकारी दे देता हूँ। देखिए ये राइट दोस्तों जो ये सीधे हाथ पे लीवर है, राइट हाथ पे जो लीवर है इससे क्या होता है, देखिए बूम चलता है, इससे बूम ऊपर की साइड आता है और नीचे की साइड जाता है। अच्छा इस साइड बकेट बंद होता है और इस साइड खुलता है, आप समझ गए। देखिए अब मैं समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये बूम है, ये रहा। देखिए अब मैं इसको ऊपर की साइड करता हूँ तो देखिए हमारा बूम है जो है ऊपर की साइड आएगा। देखिए और देखिए दोस्तों इतने तक इसका हाइड्रोलिक जो है काम नहीं करेगा, इतने तक ये लॉक हम नीचे की साइड नहीं कर देंगे, तो हमको ये लॉक नीचे करना पड़ेगा। अब देखिए अब मैं करता हूँ, देखिए अब देखिए इस लीवर को हम मैं ऊपर की साइड करता हूँ तो देखिए हमारा जो बूम है देखिए वो ऊपर आने लग गया, देखिए ऊपर आ गया। अच्छा अब मैं इस लीवर को सीधे हाथ के लीवर को, राइट हाथ पे जो लीवर है इसको नीचे की साइड करता हूँ सीधा। देखिए ये देखिए हमारा जो बूम है वो टिक गया ना। अच्छा अब मैं फिर बूम को उठाता हूँ, देखिए ये मैंने बूम उठा लिया ऊपर की साइड, ये लीवर है जो दोनों लीवर प्लस में काम करते हैं। अच्छा अब मैं देखिए इस लीवर को इस साइड करता हूँ लेफ्ट साइड, तो हमारा देखिए लेफ्ट साइड मैंने कर दिया तो देखिए हमारा जो बकेट है देखिए वो बंद हो गया। अच्छा अब मैं इस लीवर को इसके इस तरफ करता हूँ, राइट साइड करता हूँ तो इस लीवर को देखिए जो हमारा बकेट है देखिए वो खुल गया। देखिए दोस्तों खुल गया, आप समझ गए क्या होता है। देखिए इस लीवर को ऊपर करने से हमारा बूम है जो ऊपर की साइड आता है और नीचे करने से हमारा बूम है डाउन जाएगा, और हम इस लीवर को लेफ्ट साइड करते हैं तो देखिए जो हमारा बकेट है वो बंद हो जाएगा और राइट साइड करते हैं तो देखिए जो हमारा बकेट है वो खुल जाएगा। अच्छा चलिए अब मैं इसको समझा देता हूँ। जो लेफ्ट हाथ पर लीवर है देखिए हमको क्या करना है, देखिए
हमारी जो बकेट लगा हुआ है, बकेट से जो इधर है वो स्टिक भी बोलते हैं, उसको डिप्पर भी बोलते हैं, आप जो बोलते हैं वो समझ जाना। देखिए स्टिक को क्या करना है, देखिए अगर हम ऊपर की साइड करते हैं तो देखिए हमारी जो स्टिक है वो बंद होती है, देखिए वो होने लग गई बंद। ठीक है दोस्त, क्योंकि अभी बूम थोड़ा हल्का मैं बूम उठा देता हूँ, देखिए अब बूम उठा दिया मैंने, तो देखिए अब आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए मैं इस लीवर को जो लेफ्ट हाथ पे है, उल्टे हाथ पे इस लीवर को क्या कर रहा हूँ, ऊपर की साइड कर रहा हूँ। देखिए ऊपर की साइड करने से क्या है, देखिए हमारी जो स्टिक है वो बंद हो रही है, आप देखो आप लोग समझ रहे होंगे, देखिए हो गई। अच्छा अब नीचे की साइड करने से क्या होगा, देखिए इस लीवर को मैं नीचे की साइड करता हूँ तो देखिए हमारी जो स्टिक है वो देखिए खुल जाती है, देखिए खुल गई, नीचे करने से स्टिक है तो खुलती है। अच्छा समझ गए, ऊपर करने से क्या है, इस लीवर को ऊपर करने से क्या होता है, स्टिक बंद होती है, नीचे करने से स्टिक खुल जाती है। अब देखिए पूरी स्टिक है वो खुली हुई है। अच्छा अब हम इस लीवर को देखिए, अगर इस लीवर को हम राइट साइड करते हैं, राइट साइड इधर की साइड करते हैं तो देखिए जो हमारी मशीन की स्विंग है वो इस साइड घूमेगी। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए पूरी मशीन घूमने लग गई, सिर्फ चैनों को छोड़ के, चैन है जो वो हमारी नहीं घूमती है, बाकी सारी मशीन स्विंग करती है। अच्छा इस लीवर को राइट साइड करने से, इधर करने से, समझ गए, इस लीवर को इधर करने से। अच्छा अब मैं इस लीवर को इस साइड करता हूँ लेफ्ट साइड, देखिए तो हमारी मशीन की स्विंग है जो वो देखिए लेफ्ट साइड होती है। देखिए इधर करने से क्या होता है, लेफ्ट साइड करने से लेफ्ट स्विंग करती है मशीन, समझ गए आप स्विंग करना। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ, देखिए हमने बकेट टेक दिया है नीचे। अच्छा देखिए ये जो है लीवर, ये क्या काम करता है, इस साइड करने से स्विंग है जो हमारी राइट साइड स्विंग करेगी, और इस साइड करने से क्या होता है हमारी स्विंग है जो लेफ्ट साइड करेगी। अच्छा और ऊपर करने से जो हमारी स्टिक है वो बंद होती है, नीचे करने से हमारी स्टिक है खुलती है, समझ गए। ये लीवर भी चार जगह काम करता है और ये लीवर भी, दोनों लीवर आठ जगह काम करते हैं। अच्छा अब आपको क्या करना है, चलो लीवर समझा दिया मैंने, अब इस लॉक को देखिए ऊपर की साइड कर देना है, जो हमारी मशीन है वो देखिए, अब मैं मशीन स्टार्ट है और लॉक ऊपर है तो हमारे देखिए ये जो फंक्शन है ये काम नहीं करेंगे बिल्कुल, देखिए कुछ नहीं हो रहा। अच्छा चलिए कोई नहीं, अब मैं एक्सीलेटर को स्लो कर देता हूँ, देखिए अब मैंने एक्सीलेटर स्लो कर दिए, तो अब देखिए अब मैं कुछ जानकारी आप लोगों के लिए बता देता हूँ, मेन जानकारी। देखिए जैसे हर मशीन में अलग अलग वो होती है, हर जगह हर मशीन में ये स्क्रीन है, आप लोगों के लिए ये भी अलग मिलेगी देखने के लिए, और यहाँ पर जो बत्ती वगैरह की बटन है ये भी अलग मिलेंगी। अच्छा देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए जो ये हमारे लिए कछुआ और खरगोश मिलता है इसमें क्या है, देखिए ये है चैन चलाने के लिए, अगर हम इसको खरगोश पे करते हैं तो हमारी जो चैन की स्पीड है, जैसे हम चैन चलाते हैं इनको, इससे चैन चलती है, जहाँ मेरे पैर दिखाई दे रहे हैं तो हमारी चैन है देखिए खरगोश पे देखिए हाई चलेगी, अगर कछुए पे हम करते हैं तो हमारी चैन है जो लो चलेगी, धीरे चलेगी मशीन चैनों पे, जैसे हम रोड पे कई बार चलाते हैं इधर उधर ले जाते हैं साइड पे। चलिए आप इसको समझ गए, ये दोस्तों ये दो बटन है जो ये मैं आप लोगों के लिए पीछे समझाऊंगा, इनको छोड़ो, ये जो इसमें बटन है ये लगी हुई है लाइटों की बटन है, आप समझ जाते हैं। देखिए एक दो तीन, तीन बार करने से जो पूरी मशीन की लाइट है ऊपर से नीचे तक वो सारी जलने लग जाएंगी इस बटन से, समझ गए आप। और जो ये बटन है देखिए दोस्तों ये है वाईफायर के लिए, वाईफायर चला सकते हैं आप इस बटन से, कई बार बरसात वगैरह, देखिए अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ भी पानी भरा हुआ है क्योंकि बरसात अभी बंद हुई है। चलिए अब क्या करना है, अब सबसे पहले देखिए मैं मशीन को अब बंद कर देता हूँ, आप लोगों के लिए बता देता हूँ। देखिए देखिए हमारी मशीन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद हो गई है, और चाबी से ही बंद होती है मशीन, चाबी से स्टार्ट होती है। और चलिए अब मैं कुछ अंदर की जानकारी, देखिए अब मैं स्क्रीन डिस्प्ले को समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए इस डिस्प्ले में तो देखिए दोस्तों इतना कुछ है नहीं है, ये डीजल मीटर है और यहाँ पर टेम्परेचर मीटर, और यहाँ पर अपनी जो मशीन की घंटा है रीडिंग है वो है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों बत्ती वगैरह आती है, जैसे कोई मशीन में मिस्टेक वगैरह होती है तब मशीन यहाँ बत्ती वगैरह है वो बत्ती जलने लग जाती है, जैसे डीजल लो होता और कोई नुकसान होता है तो। देखिए फिलहाल इसमें बैटरी की और ऑयल की बत्ती है, ये स्टार्ट होने के बाद में ऑटोमेटिक चली जाती हैं, और ये दो बत्तियाँ ये परमानेंट आती हैं, जैसे हमने बकेट मोड पर कर रखी है फिलहाल, तो आप समझ गए। और देखिए ये है चैन चलाने के लिए, देख क्योंकि आज मैंने जूता नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि देखिए बरसात यहाँ बहुत ज़्यादा है, निकलने में दिक्कत हो रही, तो इस वजह से कींच की वजह से मैंने जूता नहीं, तो मैंने कर रखी है तो आगे चलेगी, अगर मैं इनको पीछे दबाऊंगा तो हमारी मशीन पीछे की साइड जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों कुछ मेन जानकारी,
चलिए और कुछ मैं समझाता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए और बहुत सी चीज़ है इसमें, पंखा है, एसी है, देखिए एसी के एसी इसमें चालू है, बाकी इसमें देखिए चार्जिंग भी लगा सकते हैं आप लोग अपने फ़ोन को, और एफएम भी चला सकते हैं, एफएम भी है। और यहाँ देखिए दोस्तों एक छोटी लाइट है, अगर इमरजेंसी में इसको जला भी सकते हैं बंद भी। और देखिए दोस्तों यहाँ से जो ये सीट है ये रोटेट होती है, देखिए आप अपने हिसाब से सीट को पीछे से कड़ी के टच कर सकते हैं या फिर और लंबी, और यहाँ से सीट है जो कि दोस्तों आगे पीछे होती है, आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें, उम्मीद करता हूँ आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। फिर एक और नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं जिस चीज़ की वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पर चाहिए।